प्रिया कवि मित्र, मैं आप सभी का आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारने पर, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आज विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो के सभी परिवार के लोगों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको मैं बधाई भी देता हूं कि आज उन्होंने एक इस प्रकार की संगोष्ठी, इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। और हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, यह हर्ष का विषय है कि हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और उस संकल्प में हम आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो भारतीय उत्पाद हैं उनको वैश्विक मानचित्र पर शीर्ष स्थान प्रदान कराने के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो आज भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशा निर्देश या मापदंड नहीं होते हैं, बल्कि वह हमारे देश के विकास और आत्मनिर्भरता के बुनियाद होते हैं। यानी कि अगर उनको हम कहें कि वो हमारी नींव है, हमारे फाउंडेशन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और सेवाओं के जो प्रमाणीकरण है, जिसके बारे में अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया, श्याम जी ने बताया और दुर्गेश पंत जी ने बताया कि ये प्रमाणीकरण की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में जो हमारा मानकों के इकोसिस्टम है उसमें व्यापक रूप से विस्तार हुआ है, जो अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चाहे हम कृषि के क्षेत्र की बात करें, सड़क परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य सेवाएं, और लगभग सभी क्षेत्रों को ये समाहित करता है। यानी कि सभी क्षेत्र इससे आच्छादित होते हैं। यह विस्तार हमारा ये सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार से जो ये विस्तार हमारा हर क्षेत्र में हो रहा है, ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में जो क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए, सुरक्षा और दक्षता के मानक भी लागू होने चाहिए, कि जिससे कि हम जीवन स्तर में हमारे सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। क्योंकि अच्छे मानक हो के अच्छा उत्पाद होगा, अच्छा प्रोडक्ट आएगा, तो निश्चित रूप से उसकी सेल भी बढ़ेगी, लोग उसका उपयोग भी करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी ग्राह्यता बढ़ेगी। और ये हमारे मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय उत्पादों को आज जो भारत के अंदर बनने वाले उत्पाद हैं, और चाहे वो सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसके उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं, हमारी मातृशक्ति बनाती है, उसके स्टैंडर्ड इतने अच्छे हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उनकी क्वालिटी इतनी हाई है कि उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और बहुत बार मैं बहुत जगह कहता हूं कि जब हम हमारे यहाँ के उत्पादों को देखते हैं, हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पादों को देखते हैं, तो सच बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे भी अच्छा उत्पाद हमारी जो है बहनें बनाती हैं। और यही कारण है कि आज पूरे दुनिया के अंदर जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं उनकी मांग भी बढ़ रही है, उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ रही है और उनकी कीमत भी बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो अब आगे बढ़ रहा है। और सच में आत्मनिर्भर भारत के सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का काम, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम
अगर सच में कोई पूरा करेगा, सच में कोई उसके सारथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे या सहयात्री बनेंगे, तो वो सब आप लोग जो बड़ी संख्या में मेरे छात्र और छात्राएं आई हैं, प्यारे विद्यार्थी आए हैं, वह सब इसके सहयोगी, सारथी और गंतव्य के साथी बनने वाले हैं, सहयात्री बनने वाले हैं। और यह अमृतकाल उन्हीं को समर्पित है। आने वाले 25 साल उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं को, उन सपनों को साकार करना है जिन सपनों को हमारा देश देख रहा है, भारत देख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। 2047 में भारत विकसित भारत के साथ साथ दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, सिरमौर भारत बनेगा। और आज इस सपने को पूरा करने में जो सपना हमारा आगे बढ़ रहा है, भारतीय जो मानक ब्यूरो है, इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप, जैसी पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार के उत्पादों की मांग है उसके अनुरूप तैयार करते हैं, तो न हम केवल उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी एक सशक्त जो आधार है वो आधार प्रदान करते हैं। क्योंकि वैश्विक बाजार में उसी की मांग बढ़ेगी, उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जो मानकों के अनुरूप हर जगह पर अच्छा स्थान प्राप्त कर रहा होगा, या सब में अच्छा होगा, सब में अच्छे स्टैंडर्ड होंगे, तो निश्चित रूप से उसकी मांग भी बढ़ेगी और उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधे सीधे लोग उसका अधिकाधिक उपयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल स्थापित करे, एक अलग पहचान स्थापित करे। उसके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड होना, अच्छा होना, हर प्रकार से मानकों में फिट बैठना, यानी कि उन्नत प्रकार के मानक होना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22,000 से भी अधिक मानक निर्धारित किए गए हैं। और भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, एक सुंदर प्रदेश होने के साथ ही देवभूमि है, और हर स्थान पर देवों का निवास है। नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है। अपने आप में पूरे विश्व के अंदर जो एक विशिष्ट स्थान है वो हमारा उत्तराखंड है, जहां हम और आप सब लोग जो है निवास करते हैं, जहां आप और हम सब लोग रहते हैं। किसी को यहां पर भगवान ने जन्म देकर ये कृपा करी है, और जिसने जन्म नहीं लिया है, जो यहां कर्म कर रहा है, उस पर भी भगवान की अति कृपा है, इसीलिए वो यहां कर्म कर रहा है। आज हम औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में आज देखिए, पूरे राज्य के अंदर हमने जो मिशन एप्पल, इसको एक मिशन के अंतर्गत हमने लिया है, तो पूरी घाटी में अगर हम देहरादून के जौनसार से आगे को जाएंगे, उत्तरकाशी का क्षेत्र है या हमारा टेहरी का क्षेत्र है, अभी पौड़ी जिले में भी, अभी अनेक स्थानों पर, उससे आगे भी बड़ी संख्या में अब सेब के बगान हो रहे हैं, सेब की खेतियां हो रही हैं। चंपावत जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस बार बड़ा अच्छा उत्पादन वहां पर सेब का हुआ है। दूरस्थ बागेश्वर क्षेत्र में हमारे ड्रसीला जी बैठे हैं, वहां पर कीवी का बड़ा उत्पादन वहां पर हो रहा है। दूर मतलब वहां से लोग कीवी इतनी शानदार भेजते हैं। और इसमें लीति और सामा क्षेत्र में, सामा की घाटी में, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सामा कहाँ है। सामा और लीति
ये सुदूरवती क्षेत्र है बागेश्वर का, हमारा बागेश्वर जनपद के अंतर घाटी है, वहां पर हो रहा है। हमारे अपार संभावनाएं हैं आज हर क्षेत्र में, इसलिए हमारे राज्य में मानकों के अनुसार और मानकों का पालन करने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं जैसे हस्तशिल्प है,